आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर पठान सर पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ SST के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो SST में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है यानी इतिहास है, तो वो 10th क्लास के बच्चे बहुत से बोल रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा टफ है यानी कठिन है, तो इसलिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, तो इसलिए सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें और गौर से देखें और इन्हीं प्रश्नों को याद करें। और अगर आप इन क्वेश्चनों को याद करते हो तो आसानी से आपके इन हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आसानी से फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हो आप। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो देखो इसमें जो है सबसे पहला पार्ट है, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक दो जर्मनी का एकीकरण है और दूसरा है इटली का एकीकरण। कौन सा है? इटली का एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण से आप क्या समझते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है इटली के एकीकरण से आप क्या समझते हैं या इसमें जो कौन कौन सी बाधाएं आई थी तो उसका उल्लेख कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इस पार्ट में से पूछा जा सकता है। फिर है वियना सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, पहला पार्ट है, तो उसका ये तीसरा क्वेश्चन है वियना सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको सभी को याद करना है। चौथा क्वेश्चन है रेनन की राष्ट्र की परिभाषा क्या दी थी रेनन ने, अंश रेनन क्या नाम था उसका, फिर ने आधा फिर अंश रेनन ने राष्ट्र की क्या परिभाषाएं दी थी। तो इस प्रकार आपको जर्मनी इटली और वियना और अंश रेनन के बारे में आपको बताना है। फिर आता है इसके बाद में दूसरा लेसन, तो इस ये तो पहले लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद में दूसरा लेसन आता है, तो दूसरे लेसन में कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो दूसरा पार्ट है उसमें से पहला क्वेश्चन है यानी 1917 में क्या आया रोलेट एक्ट, तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है रोलेट एक्ट। दूसरा क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है असहयोग आंदोलन। चौथा क्वेश्चन आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और एक दो तीन चार और अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर इसके बाद में आता है कौन सा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन से आप क्या समझते हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हो, तो इस तरह से असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा किया गया आंदोलन था तो ये था, और फिर उसके बाद में आता है असहयोग सविनय जलियांवाला और एक इम्पोर्टेंट है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आंसर इनके आंसर भी याद करने, एक दो तीन चार पाँच छः क्वेश्चन इस पार्ट में से आपको इम्पोर्टेंट याद करने हैं। फिर आता है तीसरा लेसन, तो तीसरा लेसन है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो है G97। कौन सा है? G77। कौन सा? G77 से आप क्या समझते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है वो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, G77 और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशेषताएं बताइए, या बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या अभिप्राय है और इसकी दो या चार विशेषताएं बताइए, तो इस तरह से ये पूछा जा सकता है। फिर एक अफ्रीका में बीमारी कौन सी आई थी, साउथ अफ्रीका रिंडरपेस्ट जो कि मवेशियों में आने वाली बीमारी थी, तो इस बीमारी पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिंडरपेस्ट से क्या थी क्या नहीं थी इसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर आता है कान लो
कौन सा? कान लो। तो ये तीसरा पार्ट है, इनमें से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब इसकी अगली क्लास अगले वीडियो में देखें और 100% नंबर पाएं। जय हिंद।